साला धोनी आ गया यार, 100% मैच गया। अब धोनी बैटिंग में, बैटिंग पर आ गए हैं, क्या कहना चाहते हो आप? अभी तो उनको कम से कम 7-8 गेंद लगेगा मिलाने में, मिलाते मिलाते टेस्ट बनाएंगे उसके बाद। मतलब क्या लगता है, थोड़ा बहुत चांस है धोनी आ गए जीतने के, चांस गुनगुना बजावे? और आप बताइए भैया क्या चांस? चांस तो फुल चांस है सीएसके का, सीएसके घंटों धोनी मार देगा। मैं नहीं, मैं तुझे बता, सीएसके हार जाएगा 100% भैया, डगआउट में गुनगुना बजाओ। और भाई मेरा रिव्यू ये है कि भाई मुझे धोनी पर भरोसा है, पूरा 100% भरोसा है, लेकिन ये नहीं भरोसा है कि कितने कितने बाल पे मारे गए। वो देखो, अरे यार सिट यार, मतलब साला ऐसा खेल रहा है। बोल रहे थे ना भैया अभी उसको 8-10 बाल मिलाने में लगेगा यार, बहुत गया। वाह भाई, वाह भाई साहब, पार उसका, पार रहेगा छक्का उसका, पार रहेगा। अब आप क्या देना चाहते हो यार? अब आप क्या करने जाते हैं मैच किसके पक्ष में भाई? कोई पता नहीं भैया, रबाडा का आखिरी ओवर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा तो धोनी खड़ा है वो नहीं देख रहे कि मतलब कौन है? मतलब कुछ नहीं, रबाडा है तो। अच्छा मतलब रबाडा है और धोनी है भाई साहब, आगे गिर पे फिर छक्का मारेगा, टेंशन नो प्रॉब्लम। तभी तो छक्का पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। कितने भी अगर सीएसके हार गए तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, अगर जीत गए तो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। देखो ये दिल्ली वाला, ये भी दिल्ली वाला, इस सीएसके अलावा अपन भी सीएसके वाला। अब बहुत दिक्कत होने रही सीएसके को यार, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं जिंदाबाद। अरे यार तो धोनी का स्ट्राइक मिल गया फिर क्या करेगा वो? कोई नहीं प्रॉब्लम, मैंने मार दे चाहेंगे। अब तुम बताओ यार, ये मतलब क्या हो सकता है? अब दिल्ली भी नहीं यार, दिल्ली भी नहीं। मतलब यार बहुत यार दुख हो रहा है यार, मतलब कैसे बताएं हम, बहुत ही दुख हो रहा है यार हमारे सीएसके का। दूसरा नाम बाहर आ रहा है, अब इसका चेन्नई तो जाने वाली है। वो तो है यार, एक छक्का मार के दो बार ले लिया यार, क्या कर दूंगा यार, फैन है हम, क्या कर सकते हैं। तीन बार में छह रन, क्या यार कुछ भी कर रहा है सीएसके। वही तो बोला था ना, अब क्या बोलना चाहोगे आप, कितने पकड़ना चाहिए? क्योंकि मैं रफ्तार रबाडा चाहता था, आगे खड़ा टॉम करन। और आप फ्रेंड, आप क्या बोलना चाहोगे? स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी, आखिरी गेंद पर ही सिक्स पड़ेगा, वो तो पड़ेगा, लेकिन 12-13 रन चाहिए भी। नो प्रॉब्लम, 3 गेंद 2 गेंद बचाएगा। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, दिमाग डिप्रेशन में जा रहा है। मैच खत्म होने के बाद तुम बता दो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो आ गया टॉम करन, टॉम करन पर मुझे 1% भी विश्वास। और उधर जडेजा आ गया है, हाँ जडेजा भाई फिनिशर पर धोनी है, और उस टाइप पर 360 पर मारता है इस समय, मतलब समय की स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आप। वाह भाई साहब, धोनी ने कमाल कर दिया 4 रन। वाह भाई साहब, ये कड़क के कड़क के कड़क मारेगा, कड़क मारेगा भैया, कड़क मारेगा। 4 गेंदों पर 9 रन चाहिए, 4 गेंदों पर। मतलब कदर यार धोनी भाई, कैसे वाह भाई साहब धोनी। दिल्ली वाले, सीएसके वाले थोड़ा खुशी इनके चेहरे पर, और दिल्ली वाले और हम तो है ही है। रबाडा किधर है देखो, रबाडा, ओ भाई साहब शैतान दे जा भाई, चाहिए सीएसके, चाहिए 4 गेंदों पर 9 रन। और देखे स्ट्राइक पर धोनी और उनके फैंस, 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बॉलिंग कर रहे हैं नोटे, और देख सकते हो आप 4 रनों के लिए सुपर। मतलब धोनी नहीं जीता सकता है, कितना मैच जीता है तू पता है वर्ल्ड कप का? नहीं पता है, क्रिकेट का गॉड है उसको, मतलब वो नहीं जीता पाएगा, इंडिया का फिनिशर ही नहीं पता है, मतलब इंडिया का फिनिशर नहीं है।
मतलब धोनी का तुम बताओ क्या जाएगा, तुम बताओ क्या जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो यार। इस गेम में बोला फिर जाएगा मैच, ठीक है। ये बोले डॉट और ये बोले फोर रन, ये बोले डोंट नो, क्या होता है। मैं बोला हूँ सिक्स रन, वाइड बॉल किसी का नहीं हुआ, चलो टेंशन नहीं है। चार रन, तीन बॉल पे चाहिए चार रन। और आप देख सकते हो हम इधर देख, सीएसके के फैंस मतलब इतना ज़्यादा खुश हैं। यहाँ दिल्ली के फैंस को देखिए आप कितने तरीके सो रहे हैं, मतलब मीडिया पॉपुलर हो गया है। मतलब धोनी को उसके ऊपर भरोसा रहता है तभी वो आता है भाई मैं जिताने के लिए, है ना। ये देख सब पूरा, अरे भाई किस्मत उनके यार, किस्मत मतलब मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं मेहनत, किस्मत नहीं है। वो तो रसपंत ऐसे देख लेंगे। अच्छा चलो देखते हैं भाई, कूदने वाले हैं भाई, अरे तुरंत कूद जाएंगे ना, हम यहाँ से कूद जाएंगे बाहर। तीन बाल पे चाहिए थी चार रन और स्ट्राइक पर धोनी, आप देख सकते हो उसके फैन देख रहे हैं यहाँ पर लाइक वाह कि नर चावे भाईचारे के लगा। यस यस गाइस, तो हमारा टीम पहुंच चुका है हम सेमीफाइनल में, तो आप कोई टेंशन नहीं भाई, पढ़ाई अपनी जगह पे, मैच अपनी जगह पे। आप कितना कुछ बता सकते